ठीक है। तो फिर से प्रभु के धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर हमारे के सादरी में परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए मौका भेटा है या दी है। से कहले परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ही है कि हमारे के सहायता करे कला, मदद करे कला, हमारे के हर एक जरूरत के पूरा करे कला, हमें के देखभाल करे कला, वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे सुनने के लिए जाते विशेष करके जे यीशु मसीह के हमारे विश्वास के ठीक है का आज हमारे यीशु मसीह के जाने की वो यीशु मसीह के हर के ठीक। तो सवाल ये है कि यीशु क्या रखे ठीक है। तो सबको ये बात का अच्छे तरह से जाना है कि यीशु मसीह हमारे के उद्धार करता है, कि यीशु मसीह हमारे का मुक्ति दाता है, कि यीशु मसीह हमारे के चंगाई देने वाला है, कि यीशु मसीह हमारे के प्रार्थना की सुनने वाला है, कि यीशु मसीह हमारे करे साथ में रहे वाला है के नहीं। लेकिन आइए हमारे ये बात के देखे के लिए जाप कि यीशु मसीह क्या रखे ठीक है। हमारे ये बात की भी जानी हुई कि यीशु मसीह मरियम क्या बेटा है के ठीक है। तो ये बात की भी जानेला, ये बात की भी जानेला कि याकूब का भाई है के कह के ठीक है। ये बात के अच्छे से हमारे जानेला ठीक है। तो फिर भी आज हमारे यीशु मसीह के बारे में आज हमारे सुनने के लिए जाते आशा है एक मौके की मोर आवाज अच्छा से आवाज है। आ रहा ब्रदर। हाँ ठीक है। तो आई हमारे सुनने के लिए जाते कि यीशु मसीह क्या रहे कह के ठीक है। तो इस संसार में जब यीशु मसीह रहे तो जो उकर चेला हर मन भी जे उमन से भेंट कर लाए, जे उकर से रहा है उकर काम की देख लाए, तो वो मन भी यीशु मसीह के पूछे ना कि ईठो क्या रखे कह के ठीक है। तो एक बार कृपया करके मोर संगे निकला हुआ मरकुश रचित सुसमाचार उकर चौथा अध्याय उकर 41 पद, मरकुश रचित सुसमाचार 4 अध्याय उकर 41 पद। की और भी पढ़ दो सकाला ठीक है, कोई भी पढ़ दे पढ़ सकते हैं। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ठीक है। तो यह हमने सुना थी कि उकर चेला हर मने जे बात कराता है कि वे बहुत ही डर गए और आपस में बोल उठे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं ठीक है। तो इकर में जो कर चेला हर मने बतिया था और ये पद करे जे अगर 35 पद से अगर हम 40 पद तक देखा तो इकर में कुछ घटना लिखा ले, और ये घटना यह है कि यीशु मसीह और उकर चेला हर मने जे मने गलीली झील में पार होत रहा है ठीक है। जैसे अगर हमरे पढ़ा हमरे 36 और 37 पद में तो इकरमेशन लिखा है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और नावें और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। 38 पद में निकला है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था ठीक है। तो इकर में हमने देखा था कि आंधी और तूफान आवेला, जब आंधी और तूफान आवेला तो यीशु मसीह निंदा थे के लिखा है ठीक है। अगर हमारी बात की अच्छे तरह से जानेला यीशु मसीह ने मतलब इस संसार में जब आए रहे तो 100% उठो आदमी और 100% उठो परमेश्वर रहे ठीक है। जिकर कारण से यीशु मसीह की जिंदगी हमारे दिखेला कि यीशु मसीह के भूख लागेला, यीशु मसीह खाना खाएला, यीशु मसीह की नींद लागेल, यहाँ जैसे हमारे देखा थे यीशु मसीह क्या करो थे निंदा थे ठीक है या आराम करो थे, ये बात के हमारे देखे ले सकेला। तो यीशु मसीह जे हिया निंदा थे और बनकर जे जीवन में या नौका में जे देखो थे जे समुद्र के जे पार करा थे मने पूरा तूफान उठ जाए आंधी आ जाए, यहाँ तक उम्र का नौका में पानी भी भरे के लग जाए और नौका डूबे के लग जाए। इस समय में यीशु मसीह का करो थे निंदा थे, और यीशु मसीह तो हर एक चीज के जाने के लायक है। उम्र कर जे उकर संगे जो कर चेला हर मन जे है चेला मन पूरा डराए जाए और कहे लग जाए 38 पद में, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ अगर चेला हर मन का होते हे गुरु का प्रभु तो के चिंता नहीं की कि हमरे मोरे को लाही, हमरे डूबे को लाही, हमरे नष्ट हुए को लाही, हमरे खत्म हुई जाए को लाही, का प्रभु तो के चिंता नहीं के कह के उगर चेला हर मन यीशु मसीह के उठाया था और कहा था। ठीक है, तो जब यीशु मसीह उठेला और आंधी और पानी के शांत करेला वो मने उगर काम के दिख के डरा जाए ना। ठीक है, जैसे लिखा है एक 40 पद में, वे बहुत ही डर गए करके लिखा है और आपस में बोल उठे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ठीक है, उगर चेला हर मने जे उकर से सांगे रहा है, ये बात से भी अनजान रहा है कि आदमी क्या आ रखे। ठीक है, ये बात के कहक लग रहे काज हमारे घर अवस्था भी तो उसने नहीं किए कि हमारे मसीह में होते हुए भी इस मसीह ठीक से नहीं जाने ला, काज हमारे का परिस्थिति भी तो उसने नहीं किए कि हमारे परमेश्वर कर काम के जो हमारे का जिंदगी में तो कर ले सकेला हमारे नहीं जाने ला। ठीक है, तो यहाँ देखा थी यीशु मसीह वो परमेश्वर के जो आंधी और पानी भी होकर आज्ञा के का करेला सुनेला। तो पहला जे बात या जे सवाल देख रो मैं कि यीशु मसीह क्या रखे हमरे हिया देखो थी यीशु मसीह वो परमेश्वर के जेकर बात के आंधी और पानी भी का करेला मानेला यीशु मसीह उठेगे। दूसरा बात हमरे देखो कि यीशु मसीह क्या रखे कहेंगे। ठीक है, हमारे पढ़ मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 10 पद क्यों हर भी या कोई भी पढ़ दे सकते हैं, क्यों हर भी पढ़ दे सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 10 पद, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है। ठीक है, तो इकर में जो हमने देखो थी कि यीशु मसीह यरूशलेम में जाते, ठीक है, यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो इकर में किसन लिखला है जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गए। देख सब पूरा मतलब यरूशलेम में पूरा हलचल में लगा रहे कि आओ दे क्या रहो थे। ठीक है, जे बड़े बड़े जे मन राजा मन रहा है सेवन तो कर रथ में या जे घोड़ा गाड़ी उकर में ढुकोत रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो था नहीं प्रभु यीशु मसीह तो गधा में बैठ के जाते और गधा के लगे सब को अपना चादर के लगाते हैं, डोरा के लगाते हैं, कहा के लगाते हैं, तो ये सब बात के दिख के सबके का बैठ गए थके बैठ गए। ठीक है, तो और सब कोई परमेश्वर या यीशु मसीह का जय जयकार होसाना करके नौ पद में दिखेला सबके ऊपर महिमा कर रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ जन जो आदमी मन रहा है ते आदमी मैंने कुछ जन यह कहा था। ठीक है, और लोग कहने लगे यह कौन है। ठीक है, यीशु मसीह जाना थे कि जब मैं यरूशलेम में जाऊं तो मोर जिंदगी में कितना दुख और कितना परेशानी है। ठीक है, यीशु मसीह जिक्र बारे में हमने आई सुन ली कि यीशु मसीह क्या रखे जी यरूशलेम यीशु मसीह जाते प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हमने जन भी करे लगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ वाला कहेंगे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें सबको जाने ला कि बैतलम में यीशु मसीह का अलग जन्म अलग, लेकिन यीशु मसीह जो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे यीशु मसीह के जिंदगी में दुख और तकलीफ और समस्या हमरे के लगे जान देवे के लिए प्रवेश कर रहे थे कहां यरूशलेम में। लेकिन प्रवेश करे से पहले या यरूशलेम घुसे से पहले ढुके से पहले यरूशलेम जाए से पहले जब जाते तो कितना खुशी कर साथ में कितना आदर कर साथ में यीशु मसीह के आदमी मन का कर रहा था स्वीकार कर रहा था या स्वागत कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह के मन में बहुत दुख है कि जे मैं ई यरूशलेम जाता हूं मोहल्ले में बहुत बड़का दुख है मोहल्ले में बहुत परेशानियां है बहुत कष्ट मनवा जायत का लगे या आदमी मन का लगे क्या करेगा है मुके उठाएगा है। यीशु मसीह जाना थे कि मुके आदमी मन का लगे मराया जाएगा है गड़ाया जाएगा और तीसरा दिन जीव उठेगा है। यीशु मसीह बात के जाना थे कि मोर जीवन में ना ही कोनो गलती ना ही कोनो पाप ना ही कोनो दोष होते हुए मुके आदमी मन का लगे ये भार के उठाएगा है कि मुके कलवरी क्रूस में अपन जान के देवे का है कोड़ा से मोर खाए का है मोर हाथ और गोड़ में कांटे ठुकवाए का है मोर मोड़ी में कांटा का टोपी पिंधे का है मोर पंजरा में आदमी मने बालन से भी छेद बाए हर एक बात के काकरो थी सुमसी जाना थे। लेकिन फिर भी देखा है यहाँ प्रवेश कर कर समय में कितना आनंद और कितना खुशी सब कोई इस मसीह के जय जयकार करा थे। जैसे नौ पद में कितना अच्छा से लिखा है जो भीड़ आगे आगे जाती है और पीछे पीछे
चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। कितना अच्छा बात है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जिसनो थी यीशु मसीह क्या रखे, पहला बात हमने सीख ली, यीशु मसीह ओ परमेश्वर के जेकर आज्ञा के आंधी और पानी भी का करेला मानेला। आज हमारे दूसरा यीशु मसीह देखो थी, वह यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह किया रखे दूसरा पॉइंट में ये बात के देखो थी कि यीशु मसीह ओ यीशु मसीह है के कि हमने के लगे जेहरे अपन जान के दे दलक, जेहर हमरे के लगे मराए के लग, जेहर हमरे के लगे गड़ाए के लग, ठीक है। तीसरा पॉइंट में हमरे यीशु मसीह के बारे में देखे गले जाते कि यीशु मसीह के हारे के, ठीक है। लुका रचित सुसमाचार 5:21, लुका रचित सुसमाचार 5:21 की और भी पढ़ देख सकला। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप को क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो शायद ये घटना की भी तोहरे सब कोई जानबे कर हुई या फिर ककरो भी शायद पता नहीं तो थोड़े को संक्षिप्त में छोटका में बताया गया चाहो ना। ये घटना उकर बारे में लिखा है जैसे हेडिंग में जब हमने पढ़ी था तो इकर में लिखा है लकवा के रोगी को चंगा करना। अगर हमारे आदिवासी में कहो तो शायद मिर्गी बीमारी थे, ओ या एक अंगा, ठीक है, एक अंगा बीमारी, ठीक है। तो जिके प्रभु यीशु मसीह का करेला चंगा करेला, जे ना ही ठीक सकोत रहे, ना ही भूले सकोत रहे, और ना ही अपने आप में खड़ा हो सकोत रहे। इकर बारे में लिखा है कि आदमी माने के भूई के लाने के लिखल है खाट में या खटिया में, ठीक है, खटिया से बुई के लाने चाहिए, ठीक है। तो और जब इके लाने ना तो जे घर में यीशु मसीह रहे वो घर में भीतरे ढुके के लिए जगह नहीं रहा है, और जे आदमी मैंने बुई के लाने ना रास्ता खोज रहा रहा है, ठीक है, रास्ता खोज रहा रहा है। यीशु मसीह जगह ई आदमी के बीमारी आदमी के कैसे पहुंचा हमरे हमरे हिया देखा हमरे जैसन पढ़ ली हमरे 21 पद में, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है। ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा ला है यीशु मसीह परमेश्वर पिता और मैं क्या है, एक है। यीशु मसीह खुद कहला पिता और मैं एक एक कहला परमेश्वर के वचन में, ठीक है। तो यहाँ जो यीशु मसीह कहला 20 पद में, उसने उनका विश्वास देखकर जब बीमारी आदमी रहे होकर विश्वास के देखेला और कहला हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। ये बात के देख के जे वचन के अच्छी तरह से जाना है से मने शास्त्री और फरीसी मने ये मने कहे ना अरे परमेश्वर के छोड़ के क्या पाप के क्षमा कर सके, ठीक है। तो यीशु मसीह कर बारे में हमरे और एक तो बात जाने की सकली कि यीशु मसीह ओ यीशु मसीह है के जे हमरे कर पाप के का करेला रे क्षमा करेला, ठीक है। तो यीशु मसीह ओ यीशु मसीह के जे हमरे कर पाप के क्षमा करेला। इस संसार में बहुत आदमी मना है जे मने अपना जिंदगी में उद्धार पाप से मुक्ति समा पावे के लगे भटकल रहा है, भटिक चला था एखन तक भी, लेकिन आज हमरे यहाँ जितना जन भी जुड़ी उपस्थित हुई प्रभु के धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमरे के ऊपर उपस्थिति में आवे के लगे मदद और सहायता कह रहे कि हमरे परमेश्वर के वचन के सुने सको, हमरे परमेश्वर के जाने ले सको यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह तीसरा पॉइंट हमने देखा थी, पहला पॉइंट हमने देख ली यीशु मसीह वो यीशु मसीह है के जे आंधी और पानी के शांत करे के सकेला। दूसरा बात हमने देख ली कि यीशु मसीह वो है के जे हमरे के लगे अपन जान के दे दिलक, ठीक है। तीसरा बात हमारे बात के देखो थी यीशु मसीह वो है के जे हमरे कर पाप से हमरे के उद्धार और मुक्ति के देवेला। जैसा निया वो बीमारी कर विश्वास के देख के प्रभु यीशु मसीह के कहला हे मनुष्य तेरे पाप क्या हुए क्षमा हुए।
कितना अच्छा बात, विश्वास के दिख के आज हमारे यहाँ जितना जन भी जमा हुई है एक दूसरे के विश्वास हमारे के नहीं दे सेला, लेकिन हमारे पता कर सकब शायद कि वो आदमी का विश्वास परमेश्वर पर कितना बड़का है या कितना है के। जैसे अब्राहम के बारे में जब हमारे पढ़ेला, ठीक है पढ़ेला बस कि उकर बारे में जब हमने पढ़ी ला तो उकर विश्वास के हमने जाने सके कि उठो कितना परमेश्वर पर क्या करते रहे विश्वास कर सकते रहे, ना ही हमने अब्राहम के दिख लिए ना ही उकर विश्वास के दिख लिए, लेकिन जब हमने पढ़ी ला तो पता चले कि उठो परमेश्वर पर कितना विश्वास कर लग नहीं। और ये विश्वास कर कारण से ही आज परमेश्वर या यीशु मसीह जो है हमारे के उद्धार और मुक्ति का करेला देवेला। जे यीशु मसीह हमारे के लगे मराया गड़ा गड़ाया गड़ा तीसरा दिन का उठे जीवित है, और वही यीशु मसीह ही हमारे कर पाप के का करेला क्षमा करेला। जैसे हमारे यह बढ़त ही यीशु मसीह के सीधा कहला हे मनुष्य तेरे पाप क्या हुए क्षमा हुए, और ये बात कह के ले आसान नहीं के आज हमारे कहो पल का आदमी अगर पाप क्षमा भी का आज अगर हमारे आदमी उनके कहो पेशन क्षमा भी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह करो बोली में भी समर्थ रहे सामर्थ रहे शक्ति रहे, बस यीशु मसीह कही दिलक हो ही गलत लगे। तो कभी कभी प्रभु यीशु मसीह बात की भी कही ना अपन चेला मन से अगर तोहरे कर मन में इतना भी विश्वास रही राय कर दाना जैसे तो तोहरे पहाड़ के कबल सरक जा तो पहाड़ का हो जा रहे बता सकल अनम्यूट करके बता सकल। ठीक है जब यीशु मसीह अपन चेला मन के कहला अगर तोहरे कर मन में अगर राय कर दाना जैसे नहीं विश्वास रहे अगर तोहरे पहाड़ के कहाबा ऐसा हो जा तो ऐसा हो जाए का हो जाए अरे सरक जाए। ठीक है सारिक जय मतलब खाना खाए बिना शादी में सारिक जन पानी पिए बारा सारिक जय बारा सारिक जय नहीं तो ठीक है अच्छा से पूछो फिर एक जगह से दूसरा जगह हाँ एक जगह से दूसरा जगह ससैर जय अच्छा से कहो तो नहीं ससैर जय यहाँ से हुआ ससैर जय नहीं ससर कह नहीं कभी कभी आदमी का बैठे पर कभी हमारे जगह नहीं रहा ससर तो ही नहीं कहला ठीक है उन्हें ससर कह ठीक है तो ससैर जय। तो यहाँ कितना अच्छा बात यीशु मसीह कहा थे कि तोर पाप क्षमा होला के कहा दे हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो तोर पाप कहा लग रहे क्षमा होला कहा दे। आज बहुत ऐसा कुछ कुछ जन रहा है जे मन की यीशु मसीह कही के ही मन कर पाप के का कर दलक क्षमा कर दलक, लेकिन हमरे के लगे जब हमारे यहाँ अपन जिंदगी में देखो तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमरे के लगे अपन जान के दी है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो यीशु मसीह जो हमरे के अपन खून से कीन ली है के लिखा है कीन ली है यीशु मसीह वो है के जे हमरे के का के लिए है कीन लिए है। तीन ठो बात हमरे आज हमरे सीख ली फिर से मैं दोहरा के लिए चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह वो है के जे आंधी और पानी के शांत कर सकेला। दूसरा बात फिर से बताई चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह वो है के जे हमरे के लगे मराए गेला गड़ाए गेला तीसरा दिन का उठे जीवित है यरूशलेम में। ठीक है तीसरा बात यीशु मसीह वो है के जे हमरे कर पाप के का करेला क्षमा करेला, लेकिन का तोहरे जानला कि बाइबल में कायठो यीशु है कायठो यीशु है बताएले सकबो कि और भी बाइबल में कायठो यीशु है बाइबल में। ठीक है जहां तक मुझे याद है ठीक है तीन ठो यीशु ठीक है, लेकिन तीन ठो यीशु में कौन यीशु के हमरे जाने ला बाइबल में तीन ठो यीशु है। ठीक है तो हमरे जेके विश्वास कह रही जेके हमरे जाने ला उठो है के प्रभु यीशु मसीह जेके हमरे जाने ला जेके विश्वास कह रही उठो है के प्रभु यीशु मसीह। प्रेरित होकर काम में दूसरा एक ठो यीशु है जेके कहना बार यीशु। ठीक है मतलब देवी देवता के पूजा करे गला पूजा धजा करे गला बारिश हो जगह बारे में लिखा है, और पुराने नियम में एक तो येसु करके लिखा है येसु। ठीक है एक जब हमरे मसीही गीत के दिखेला मसीही गीत के तो डायरेक्ट हुआ ऐसा मतलब येसु कह के नहीं कहना येसु कर कह रहे ना। ठीक है तो मैं वो बात के सिखाई नहीं चाहता हूँ कि हमरे का कहे नहीं कहे हमरे के का कहे नहीं कहे के कह के, लेकिन ये बात किसे बताई ले चाहो ना कि हमरे यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के हमरे विश्वास कह रहे हमरे प्रभु यीशु मसीह के जय नहीं
ना कि बाद यीशु के, ना कि यीशु के, हमारे उस मसीह के विश्वास के ही, ठीक है, जिकर बारे में पौलुस अपन वचन में लिख लिख के कलीसिया के नमस्कार करेला, कलीसिया के जय मसीह जनाला, ठीक है। तो हमारे यीशु मसीह के जयने जे यीशु मसीह हमारे के लगे मराए गिला गड़ा गिला तीसरा दिन जीव उठे। एक तो बात कुछ कह गले चाहो ना, मैं जैसे कह लो, मैं इस संसार में बहुत ऐसा है जो उद्धार के लगे मुक्ति के लगे तरिस रहा है, इन्हें होने भटिक रहा है। जैसे कि अगर हमारे पढ़ब वो है लुका रचित सुसमाचार, अगर जे पढ़त रही 5 अध्याय उकर 18 और 19 पद पढ़ हमारे 18 और 19 बैठ दो की हो रहे 18 और 19। और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वे उसे भीतर भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। ठीक है, अच्छा बात। तो 18 पद कर अंतिम लाइन में जो लिखला है कितना अच्छा बात लिखला है, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। कितना डेंजरस बात, कितना अच्छा बात कर में लिखला है कि आदमी माने जे मन है वो जे बीमारी रहे सके उठाए के जाना लाए यीशु मसीह जगह लेके करे, वो मैंने का खोजत रहा है, रास्ता ढूंढत रहा है कि हमारे कैसे नहीं यीशु मसीह तक पुगाई सको, कैसे नहीं बीमारी आदमी का ठीक करवा ले सको। ठीक है, तो यीशु मसीह जगह पुगे लगे आदमी मन का खोजत रहा है, अरे रास्ता खोजत रहा है कि यीशु मसीह के मन जानत रहा है कि घर जगह जाओ बोले, अगर हमने ये लीक जा बोले यीशु मसीह के पक्का पक्की का कर भी करी, ठीक कर भी करी, इके चंगा कर भी करी। ये बात विश्वास और भरोसा ना ही केवल लेगे कोला मन उपरे रहे, लेकिन जे बीमारी आदमी रहे उकर मन में भी तो विश्वास रहे कि जय खाने अगर मैं यीशु मसीह जगह जाबो तो यीशु मसीह मुके ठीक कर भी करी। जैसन वो जे 12 वर्ष से जे छोड़ी बीमारी रहे, जे बीमारी अवस्था में रहे, अगर घटना हमारे जानबे करेला, वो अपने मन में कहा होता है कि अगर मैं यीशु मसीह का कपड़ा के छुई लेबो तो मैं कहा हो जाबो, चंगा हो जाबो। कितना अच्छा बात कि अगर मैं यीशु मसीह का कपड़ा के छुबो तो मैं कहा हो जाबो, अरे चंगा हो जाबो। ये विश्वास ही है कि जे हमरे के यीशु मसीह से उद्धार और मुक्ति के दिवाला। आज हमारे यहाँ जितना जन में ज्वाइन हुई है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पता नहीं कि कितना जने यीशु मसीह के अपना उद्धार करता के रूप में स्वीकार किया था, कितना जने यीशु मसीह के बारे में कुछ बात कहे सुई ना, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन यीशु मसीह वो यीशु मसीह के जो हमरे के पाप से क्षमा करेला। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:16 में जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे, ये बात अच्छा लगे मुझे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि क्यों हर भी उसके ऊपर क्या करवाए, विश्वास करवाए, प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन देवी। उकर में कहला वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए के लिखला है। कितना अच्छा बात विश्वास। और हमरे लकवा का बीमारी कर बारे में भी एक तो बात के देख लिया हमरे 20 पद में, उसने उनका विश्वास देख कर यीशु मसीह कर विश्वास के देख लग और कहा लग कि हे मनुष्य तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए, तोर पाप क्षमा होला के कह दिला। कितना अच्छा बात, ठीक है। सच में खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के आज हमरे कुछ बात के 3 पॉइंट के सीख लिया हमरे कि यीशु मसीह के हरे के कह के, यीशु मसीह हमारे के जीवन में का कर सकेल कह के हमारे सीख ली कि यीशु मसीह हमारे के उद्धार और मुक्ति देख ले सकेला। यीशु मसीह हमारे के जीवन में ऐसा काम कर सकेला जे काम की हमारे साथ दिखबो नहीं कह रही, जैसा चेला मन भी अपना जिंदगी में जितना जोर से आवो थे और ये क्या है
समुद्र के बारे में अच्छा जानत रहे उन्हें, तूफान आजल से का करे पड़ी नहीं करे पड़ी के, लेकिन फिर भी पूरा ड्राइजा है नौका के कैसन कंट्रोल में आना क्या है पता नहीं के, बस नौका के कंट्रोल करके मन जानता है, लेकिन पानी और आंधी के कैसन शांत करेगा ये बात मन के पता नहीं के, या वो मन जगह उतना सामर्थ्य शक्ति नहीं के, लेकिन जब यीशु मसीह काम के कर देला तो ये मन चक पड़ जाए ना और कहक लगे ना ये आदमी क्या रहे, जिकर बात आंधी और पानी भी का करे मानेला। अगर हमरे के विश्वास प्रभु यीशु मसीह में आ जाए या रखा हमरे, तो हमरे स्नेह अनोखा काम या नया काम परमेश्वर करे हमारे का जिंदगी में देख सको। अगर हमारे का जिंदगी यीशु मसीह के दी दो हमरे, अगर हमारे का विश्वास और भरोसा यीशु मसीह में लगाए दो हमरे, तो यीशु मसीह इसने हमारे का जिंदगी जीवन में अलग काम करे। ठीक है, तो दूसरा बात हमारे दिख ली यीशु मसीह हमारे के लगना अपन जान के देख लगे यरूशलेम में प्रवेश करेला खुशी खुशी आनंद के साथ में, कितना आदमी का जय जयकार करे ना प्रभु यीशु मसीह हो के। तीसरा बात हमारे देख ली यीशु मसीह हमारे कर पाप के क्षमा करे कलाएगी, लेकिन शर्त इतने है कि हमारे के वो के विश्वास करे का है, वो भी आधा नहीं पूरा विश्वास करे का है, विश्वास करे का है, तब जाके प्रभु यीशु मसीह हमारे के हमारे कर पाप से उद्धार और मुक्ति देवे। तीसरा बात है देख ली, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं चाहूँ ना, वचन के मैं इतने में रह के अंत करे के लिए चाहना, मुख्य आशा है कि प्रभु हमारे क्या इस कुछ बात हमारे कर मन में बतिया है, कुछ बात के सिखा है, अगले दिन में प्रभु हमारे के सहायता करो कि हमारे कर विश्वास प्रभु में आए के लिए, अगर हमारे उद्धार और मुक्ति नहीं पाए तो प्रभु से ही हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु का द्वारा उद्धार या पाप से क्षमा पावे के लगे मदद और सहायता करो। यहाँ जितना भी बैठा है, जितना भी ज्वाइन हुई है, दीदी बहन काका कखी मने दादा भाई मने हर एक के प्रभु यीशु मसीह के नामे जय मसीह।